मेरे को तो नहाने का मन हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे को तो नहाने का मन हो रहा है। तो भाई मैं पहले ही बता दूं कि ये कोल्ड ड्रिंक है, कुछ और मत समझना भाई। बस दावत की कोल्ड ड्रिंक देख रहे ऐसे ना जैसे लड़की देखने आया है। म्यूजिक ये तो अभी लगातार है, हम लोग निकलते हैं। तेरे को नहीं आना है अभी, एक और पिएगा। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरेश्वर महादेव, और पीछे आप जो टेम्पल देख रहे हो मथुरेश्वर महादेव का टेम्पल है, और हमने हमारे कार यहाँ पे लगा दी है एकदम ढलान पे, इस वजह से हमने नीचे पत्थर फंसा दिया। अच्छा चलो छोड़ो, बस लॉक हो गया। क्या हुआ? तो भाई चलते हैं अभी, इस तरफ जाना उस तरफ जहाँ से भी जाओ रास्ता ही रास्ता। फाइनली हम लोग ने मथुरेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए और चलते हैं पीछे। पीछे एकदम शांत थोड़ी सी नदी है भाई, एकदम जबरदस्त, कितना साफ पानी देख सकते हो। कछुआ सीन ले लो, साफ पानी। आप लोग तो कैमरे की नज़र से नहीं देख सकते, बट यहाँ पे जब आओगे तभी देख लोगे भाई। तो भाई यहाँ पे भाई केयरफुल रहना, नहीं तो हड्डी तो क्या कुछ भी नहीं बचेगा। क्या बात है, देख सकते हो शायद आप कछुआ, शायद आपको दिख रहा होगा भाई। यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ हैं, एकदम शांत नज़ारा है भाई, और पानी एकदम साफ है। कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे को कम से कम मैं 12-15 फीट की ऊंचाई से देख रहा हूँ, और मेरे को पानी यहाँ से साफ दिख रहा है। कैसा लगा कान भाई लोकेशन? एक नंबर भाई, एकदम ज़बरदस्त। तो भाई हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग बहुत ही मज़ा है, एकदम शांत जगह है, दिल को सुकून मिला है भाई, एकदम ठंडक सी लग रही है। तो भाई अभी हम लोग एकदम ऐसे शांत में हम लोग यहाँ पे ध्यान भी कर सकते हैं। ये तो ध्यान करने बैठ भी गया, देख सकते हैं। क्यों ध्यान कर रहा है? मेरे को तो नहाने का मन हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे को तो नहाने का मन हो रहा है। पेश तेरा इस जगह पे क्या ओपिनियन है? मेरा ये जगह पहले तो मेरे को सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको ये जगह कैसी लगी? अभी माइक है, ये माइक अभी ये माइक है, माइक है। मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लगी, मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ। यहाँ पर नहाने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है, पर अभी फिलहाल फॉरेस्टर के लोगों ने इस जगह को बंद कर दिया, इसलिए
नहाने के मना है यहाँ पर, नहाना मना है। जगह देखो तो बहुत शांति वाली जगह है। यस, दिल को सुकून मिलता है एकदम, ठंडक। और भाई सिटी से ये कम से कम कितने किलोमीटर की दूरी पे होगी? यस, जूनागढ़ से तो शायद 25-30 किलोमीटर होगा, बट बिलखा से ये 5-7 किलोमीटर जितना होगा। तो भाई जंगल के बीचों बीच में है ये जगह, ये क्या रहे हुए तुम लोग? झूला झूल रहा हूँ। इसमें भी झूला झूल रहा है, ये तो कब सुधरेगा, कब बड़ा होगा? खेलने की उम्र है तो खेल लेना चाहिए। क्या बात है भाई। तो भी अभी हमारा एक और नमूना नहीं आया है, सोमिया झाड़िया पहलवान। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा झाड़िया पहलवान, फेयर एंड लवली वाला। तो भाई फांदा भी गोरा फांदा। तो भाई हम लोग इसको मिस कर रहे हैं, तो अगली बार मैं आऊँगा तो उसको ज़रूर लेके आऊँगा। और कमेंट सेक्शन में जाओ, बताओ कि भाई ये व्लॉग कैसा लगा आपको, और ख़ासतौर पर ये जगह कैसी लगी। मैं इसका लोकेशन शायद डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। भाई एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ जाओ कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा और ख़ासतौर पर ये जगह कैसी लगी। तब तक आप कुछ और सिनेमेटिक व्यू एंजॉय करो। क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? चोर चोर नहीं, खुल गया। क्या चोर बनेगा तू? मेरे को नहीं आता भाई, तू सिखा दे। क्या चोर बनेगा? तो हम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक्स चला जा भाई। और ये कुछ नाश्ता लेके आए, और हम लोग इसको अपनी गाड़ी में ही रख लेंगे और यहाँ से जंगल से बाहर निकल लेंगे, बस डस्टबिन में डाल देंगे। तो भाई ये ऑन वीडियो होगा। तो भाई मैं पहले ही बता दूँ कि ये कोल्ड ड्रिंक है, कुछ और मत समझना भाई। बस दावत की कोल्ड ड्रिंक। यस, दावत की। ब्रांड भी देख सकते हो, मुझको दिखाता हूँ, देख लो। यस, दावत ठंडा ठंडा कूल कूल। यहाँ पे सोडा का धंधा चालू कर दे भाई। तो भाई फाइनली हम लोग ने नाश्ता कर लिया है, बट ये देख सकते हो आप, हमने कचरा यहाँ पे फेंक दिया और खाली बोटल्स और बाकी पेपर्स यहाँ पे है। तो भाई प्लीज़ गाइस, कोई भी कमेंट करके ये मत कह रहा कि हम लोग ने कचरा यहाँ वहाँ फेंका है, ये वो। हम लोग ने कचरा हमारी गाड़ी में ही रख दिया, और जैसे हम लोग इस जंगल की बॉर्डर से क्रॉस करेंगे, हम लोग कचरा पेटी में या फिर ना डाल देंगे। ये देखो कितना शाइन, कितना मार रहे हैं, गोरा नहीं काला है। तो देख रहे जैसे ना, जैसे लड़की देखने आए हैं। म्यूजिक तो भाई हम लोग, आपने जो झरना देखा था वो पीछे की साइड, सॉरी हम लोग आगे की साइड जा रहे हैं, और देखते जा रहे हैं क्या बात होता है। देख सकते हो भाई क्या ऑसम लोकेशन है गाइस, जबरदस्त। अगर और यहाँ पे पानी का ये क्या क्या है भाई, ये मंदिर के पास की जगह है, मंदिर मतलब मंदिर की जगह है। यहाँ पे ये रहा मंदिर, ये रहा एकदम जबरदस्त। आप लोग शायद भाई पानी की आवाज़ सुन सकते हो मेरी वॉइस के साथ, एकदम सुकून मिल रहा है भाई ये वॉइस सुन के भी। ये क्या कर रहा है नाना तेरे को? अरे क्या बात है बॉडी पहलवान, नंगा नहीं गा वो नंगा। तो यहाँ पे चाप वाप भी हो सकते हैं शायद मेरे पास। तो भाई यहाँ पे थोड़ा टाइम लैप्स एंजॉय करो, और हम लोग फोटोशूट करते हैं। Go it, there's no doubt it, gotta get out of this small town. You took my heart from me, now you're everywhere I see. Set me free, let me fly, let me find new kinds of highs. We're just wasting here, waiting for another year. We both know the score, we've been here once before. So many words unspoken, you took my heart, it's already broken. You don't have to wait. Finally guys, हम लोग ने फोटो शूट कर लिया है, कुछ लोग वीडियोस बनाए, बहुत एंजॉय किया। पीछे देख सकते हो और भी लोग मस्त फोटो शूट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और एक और जगह जाने वाले हैं भाई, वो भी सस्पेंस है कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं। यहाँ से कमी करीबन 8-10 किलोमीटर के अंदर ही है वो जगह, बट इससे भी ऑसम वाला लोकेशन है भाई। तो वहाँ पे चाहे खाते हैं, देखते हैं एक बार क्या हुआ। भविया बहुत मज़ा आया, मज़ा आया पानी में, पेट डुबो दिए।
तो इसने भाई पानी में पैर रख के कम से कम आधा एक घंटा बैठा था ये, बहुत ही मजा आ गया है। कैसा लगा भाई लोकेशन? बहुत अच्छा है। क्या 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 फिर से बोल A1। आप लोग इसकी हरकतें देख के समझ सकते हो कि इसको लोकेशन कैसा लगा। और भाई सच में लोकेशन एकदम ऑसम वाला है। रुक 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 के जरा रुक रुक बहुत अच्छा लगा नाना। फिर से तेरे को यहाँ पे आना है? फिर से आएगा यहाँ पे? हाँ, हम लोग फिर से एक बार यहाँ पे जरूर आएंगे और तब हम सभी साथ में आएंगे और भी लोगों को लेते आएंगे। चाबी किसके पास है भाई? चाबी घुमा दी। तो फाइनली गाइस हम लोग मथुरेश्वर महादेव जाके आ चुके हैं और आप पीछे मेरा गेट देख सकते हो। तो हम लोग ने बहुत मज़े किए, फोटोज़ खींचे, एकदम शांत जगह थी, ऑसम वाली थी। मैं बस इतना ही बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। आपको कैसी जगह लगी कान भाई? अरे एकदम बढ़िया भाई। लोग का ओपिनियन? A1। बहुत बहुत बढ़िया। तो भाई सब लोग को जगह एकदम ऑसम वाली दिखी है। और आप ये जगह भी देख सकते हो कि हम लोग ने जो पिछले वाले लोग हम लोग यहाँ पे आने वाले थे, बट फोन आ गया किसका कॉल है। हम लोग इस जगह पे गए थे, मथुरेश्वर महादेव आए थे, बट हमको एंट्री नहीं मिली थी क्योंकि शाम हो गई थी। तो ये वाला मैं प्रीवियस व्लॉग देख सकते हो आप, और मैं इसकी लिंक आई बटन पे दे दूंगा, चाहो और वो व्लॉग देखो। क्या कर रहा है भाई? हम लोग यहाँ पे खटिया चलने का जूस रस जो भी हो चलो जूस पीने। कैसा लग रहा है? क्या कर क्या रहा है? उंगली कर रहा हूँ। पकड़ मेरा पकड़ लेमर करियो तेरी तरह। तो भाई इसको खन्ने का जूस इतना पसंद आया, इतना अच्छा लगा, एक बहुत ही रहा है भाई, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा गन्ने का जूस बना दिया। और आप इसका पूरा एड्रेस दे दो, खड़िया रोड पे है। कहाँ पे? खड़िया रोड पे ही है। यस, खड़िया रोड पे ही मैन है। और देख सकते हो आप सीताराम रस रोड एकदम पुलिस स्टेशन के सामने, ये खड़िया रोड पे। भाई आओ तो यहाँ पे ज़रूर गन्ने का जूस ट्राई करना मेरी तरफ से भाई। ये तो अभी लगातार है, अगर हम लोग निकलते हैं। तेरे को नहीं आना है अभी? एक और पिएगा? कितना पिएगा। तो फाइनली गाइस हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं, और इस व्लॉग को यहीं तक एंड करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, फैला दो भाई पूरी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।